हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू हेल्दी इंडिया चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को टाइम पास करने के लिए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर दें, क्योंकि ये वीडियो आपका टाइम बिल्कुल पास नहीं करेगी। क्योंकि इस चैनल का मोटिव है आपको आपके घर का डॉक्टर बनाना। आजकल हम लोग हर छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए एलोपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम सबको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम छोटी छोटी प्रॉब्लम को घर पर ही सॉल्व कर पाएं बिना डॉक्टर के। आयुर्वेद शब्द का रियल मतलब ही यही है, जीवन जीने का ज्ञान। आपको खुद को निरोगी रखने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बात हमें आयुर्वेद सिखाता है। और ये बेसिक नॉलेज सभी के पास होनी चाहिए, जो कि हमारे चैनल का रियल मोटिव है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने परिवार का डॉक्टर बन पाए और छोटी मोटी प्रॉब्लम को नेचुरल तरीके से सॉल्व कर पाए। तो इसी मोटिव को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम जानेंगे खाना खाने के नियम के बारे में। और अगर आप लोग इन नियमों को फॉलो करते हैं तो आपका शरीर खुद ब खुद आपकी सारी बीमारियों को ठीक करने लगेगा। आपको किसी भी प्रॉब्लम के लिए अलग से मेडिसिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका भोजन ही आपकी औषधि बन जाएगा। आप लोगों ने बड़े बुजुर्गों से एक बात तो जरूर सुनी होगी, अगर हम सही भोजन का सेवन करते हैं, यानी अपनी डाइट में हेल्दी फूड को शामिल करते हैं, तो हमें किसी भी औषधि की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम खुद को जीवन भर निरोगी बना सकते हैं सिर्फ अपने भोजन से, क्योंकि भोजन को आयुर्वेद में सबसे बड़ा डॉक्टर माना जाता है। आयुर्वेद में ऐसे 5 डॉक्टर बताए गए हैं, अगर वो हेल्दी हैं तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारी नींद को हमारा डॉक्टर माना जाता है। इसके अलावा जल को हमारा डॉक्टर माना जाता है, यानी आप एक दिन में अगर सही मात्रा में पानी पीते हैं तो भी आप खुद को जीवन भर निरोगी बना सकते हैं। ठीक इसी तरह हमारे भोजन को भी हमारा सबसे अच्छा डॉक्टर माना जाता है। अगर आपका भोजन सही है और आप सही नियमों के द्वारा इसे खाते हैं तो आप लंबे समय तक खुद को निरोगी बना सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो वो प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाएगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। 2 वक्त की रोटी को कमाने के लिए लोग ना जाने कितने पाप करते हैं, लेकिन अगर यही 2 वक्त की रोटी को सही से नहीं खाया जाए तो ये आपके शरीर में जहर का काम करती है। खाना खाने के भी कुछ नियम बताए गए हैं, अगर हम इन नियमों को पालन नहीं करेंगे और बिना नियमों को पालन करें भोजन को करेंगे तो ऐसा भोजन हमारे शरीर में जाकर टॉक्सिन को क्रिएट करता है। जो बातें बरसों पहले आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखी गई थी और हमारे शास्त्रों में लिखी गई थी, इस बात को तो आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं। वैज्ञानिकों ने इन बातों पर बहुत रिसर्च करी, जिसके बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर खाना खाते वक्त आपके थॉट पॉजिटिव हैं तो ऐसा खाया गया खाना आपके शरीर में जाकर अमृत का काम करेगा, यानी आपके शरीर में डैमेज सेल को रिपेयर करने का काम करेगा और एनर्जी को ऐड करेगा। वहीं दूसरे साइड कुछ लोगों पर रिसर्च की गई कि जो लोग खाना खाते वक्त नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो वो खाना हमारे शरीर में जाकर टॉक्सिन को क्रिएट करता है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है। और यही बात बरसों पहले हमारे ऋषि मुनि बताकर गए थे कि खाना खाते वक्त आप लोगों को भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी रहे। इसके अलावा आप लोग जब भी खाना खाएं, कोशिश करें आप उस खाने को अपने हाथों से खाएं, क्योंकि हमारे हाथों की जो उंगलियां हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं 5 तत्वों को, अग्नि, आकाश, जल, वायु, पृथ्वी। और जब ये 5 तत्व यानी 5 एलिमेंट हमारे खाने के साथ मिलते हैं तो ऐसा खाया गया खाना हमारे शरीर के त्रिदोष को बैलेंस करता है। इसलिए आप लोगों को अपने कल्चर को अडॉप्ट करना होगा। आजकल हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते हैं और खाना खाते वक्त चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, जो कि खाने के स्वाद को भी कम करता है और आपके डाइजेशन को भी वीक करता है। ये बातें सुनने में काफ़ी सारे लोगों को ऑड लगेंगी, क्योंकि उन लोगों ने कभी हाथ से खाना खाया ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग इस बात का प्रैक्टिकल खुद करेंगे और 1 हफ्ते तक हाथ से खाना खाएंगे तो आपका डाइजेशन तो इम्प्रूव होगा ही। इसके अलावा आप जो भी खाएंगे उससे आपको संतुष्टि मिलेगी और आपकी बॉडी में जो 5 एलिमेंट हैं वो बैलेंस रहेंगे। तो आप लोग अपने कल्चर को बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि हर नियम के पीछे एक अपना विज्ञान है। अगर आप उस विज्ञान को समझ जाएंगे
तो आप लोग अपने कल्चर से बहुत प्यार करने लगेंगे। और वैसे भी जिस वेस्टर्न कल्चर को हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, वही वेस्टर्न कल्चर वाले लोग आज इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग जान गए हैं इसके पीछे का विज्ञान। देखिए, हमारा मोटिव है आपके अंदर साइंटिफिक टेम्परमेंट को जनरेट करना, यानी आप लोग किसी भी बात के पीछे का विज्ञान समझें और तब उसे माने। किसी भी बात को ऐसे ही मान लेना सही नहीं है। तो आप लोग अपने कल्चर को समझें और इसके पीछे का विज्ञान जानें कि हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा और बड़े बुजुर्गों के द्वारा ये नियम क्यों बनाए गए हैं और इसका क्या फ़ायदा है। उसके बाद ही आप इन नियमों को मानें। हम नहीं चाहते कि आप किसी भी नियमों को ऐसे ही माने। नेक्स्ट, एक और बात जो आपको जाननी चाहिए, आप लोग अब तक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे थे। आप लोग जब भी भोजन करें, कोशिश करें हमेशा ज़मीन में बैठकर करें। ऐसा करने से आपकी बॉडी में जो त्रिदोष है वो बैलेंस रहेंगे। फर्श पर बैठकर किया गया भोजन आपके अंदर एनर्जी को क्रिएट करता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी बॉडी की मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्ट हो पाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड होती है और आपका डाइजेशन और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसके पीछे दूसरा लॉजिक ये भी है कि जब आप फर्श पर बैठकर खाना खाएंगे तो आपको पालथी मारकर खाना खाना होगा, और ऐसे बैठने की वजह से आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन लेवल है वो पूरी तरीके से पेट में आ जाता है और आप जो भी खाते हैं वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। और जब आप खाते वक्त बेंड होते हैं, जिसकी वजह से आप ओवर ईटिंग से बच पाते हैं। और वहीं दूसरे साइड जब आप डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं तो आप खाने को अपनी भूख से भी ज़्यादा खा लेते हैं, और जिस हिसाब से खाना खाते वक्त हमारी बॉडी का पॉस्चर होता है ये हमारे डाइजेशन को भी वीक करता है। तो आज के बाद आप जब भी खाना खाएं, कोशिश करें इसे फर्श में बैठकर खाएं। क्या आपको एक बात पता है, जब भी आप खाना खाने से पहले मंत्रों का उच्चारण करते हैं जो कि आयुर्वेद में बताया गया है, तो उस मंत्रों की फ्रीक्वेंसी की वजह से आपका ऑरा मजबूत होता है और आपके शरीर में एक अलग सी एनर्जी क्रिएट होती है। ये एनर्जी आपके खाने को अमृत बनाने का काम करती है। तो आप लोग जब भी खाना खाएं, कोशिश करें अपने इष्ट देव को याद करें। आप किसी भी धर्म के हों वो मैटर नहीं करता, आप उन्हें खाना खाने से पहले याद करें ताकि आपके शरीर में पॉजिटिविटी जनरेट हो और ये पॉजिटिविटी आपके भोजन को अमृत बनाने का काम करेगी। नेक्स्ट, आप लोगों ने बचपन से एक बात तो ज़रूर सुनी होगी, खाने को हमेशा साथ बैठकर खाना चाहिए, इससे आपस में प्यार बढ़ता है। लेकिन इस बात के पीछे भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। आपका परिवार जब भी साथ बैठकर खाना खाएगा और खाना खाने से पहले मंत्रों का उच्चारण करेगा तो इससे मंत्रों की जो फ्रीक्वेंसी है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और आपके शरीर के ऑरा को और भी ज़्यादा मजबूत करेगी और वो परिवार हमेशा खुद को निरोगी बना पाएगा। इसलिए कहा जाता है आप लोगों को पूरे परिवार के साथ खाना खाना चाहिए, ताकि जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके आसपास रहेगी आपके खाने में उतनी ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होगी। हमारे शास्त्रों में तो खाने की दिशा भी बताई गई है ताकि ये पॉजिटिविटी को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। आप लोगों को एक बात तो ज़रूर पता होगी कि हमारी पृथ्वी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों में कंटिन्यूसली रेडिएशन निकलती है जो कि हमारे शरीर में प्रभाव डालती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पहले से ही खाना खाने की एक दिशा डिसाइड की गई है। शास्त्रों के अनुसार पूर्व या उत्तर दिशा में मुँह करके अगर भोजन किया जाता है तो वो भोजन आपके लिए अमृत माना जाता है। और वहीं दूसरे साइड ये भी बताया गया है कि अगर आप भोजन को पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खाते हैं तो ऐसा भोजन आपके शरीर में विष को क्रिएट करेगा। ये बात कोई अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे एक कंप्लीट साइंस है जो कि हमारी अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल से निकलने वाली पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की वजह से है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखकर ही अपने भोजन को करना चाहिए। नेक्स्ट, बड़े बुजुर्गों के द्वारा हमेशा एक बात सभी को सिखाई गई होगी कि भोजन का अपमान आपको कभी नहीं करना है। अगर आप लोग खाने को थोड़ा सा भी वेस्ट करते हैं तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो इस वजह से भूखे रह जाएंगे, सिर्फ आपका खाना वेस्ट करने की वजह से, क्योंकि आज के टाइम पर फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज है और जिसे टैकल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। एक साइड वो लोग हैं जो लोग खाना खाना चाहते हैं लेकिन उनके पास खाने को कुछ नहीं है, वहीं दूसरे साइड वो लोग हैं जिनके पास 56 भोजन हैं और वो उनमें से काफ़ी सारे फूड को वेस्ट करते हैं।
तो इसलिए खाने की वेस्टिंग बिल्कुल भी ना करें। आपको जितना खाना है सिर्फ उतना ही अपनी प्लेट में रखें। और वैसे भी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपनी भूख का 80% ही खाना चाहिए, 20% हमेशा खाली रखना चाहिए ताकि आपका डाइजेशन अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट, खाने को बनाते वक्त और खाने को खाते वक्त दोनों ही टाइम पर आपको गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप किसी भी बात से नाराज हैं तो कोशिश करें आप उस समय खाना ना खाएं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में खाया गया खाना आपके शरीर में सिर्फ टॉक्सिन को ही क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जब भी आप खाना खाएं, आपकी पांचों इंद्रियां आपके खाने पर रहनी चाहिए। आप उस खाने को बहुत अच्छे से इंजॉय करके खाएं, एक एक बाइट में आपको मज़ा आना चाहिए। और एक और बात, आजकल के टाइम पर जैसे हमारा बिजी शेड्यूल हो गया है, हम लोग खाने को अच्छे से च्यू नहीं करते, यानी अच्छे से चबा चबा कर नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से भी हमें डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि हमें खाने को 32 बार चबा चबा कर खाना चाहिए ताकि वो खाना एक पेस्ट बन जाए और हमारी इंटेस्टाइन पर इसका बर्डन ना पड़े। लेकिन आजकल हम लोग खाने को जैसे खाते हैं वो बिल्कुल गलत है। हम अपने दांतों का काम इंटेस्टाइन को देते जा रहे हैं, यानी जो काम हमारे दांतों को करना चाहिए खाने को चबाने का, वो काम हमारी आंतें करती हैं। तभी तो आप लोगों ने महसूस किया होगा कि खाना खाने के बाद हमें एनर्जी मिलनी चाहिए, लेकिन जब भी हम खाना खाते हैं हमारी सारी एनर्जी चली जाती है और हमें सुस्ती आने लगती है। इसका मेन रीज़न ही यही है कि हम खाने को अच्छे से नहीं चबाते हैं और जिसका बर्डन हमारी आंतों पर पड़ता है, और ये बर्डन पड़ने की वजह से आपकी पूरी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है, और इस वजह से आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम होती है। तो ये नियम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस नियम को तो ज़रूर माने। अगर आप लोग आज से ही अपने खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाएंगे तो आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो वो ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ तक कि अगर आप खाने को इस तरीके से खाते हैं तो आपको कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी बॉडी बिना कुछ करे फिट एंड फाइन रहेगी, आपका वजन कम हो जाएगा। अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो बॉडी का ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये जितने भी नियम आपको बताए जा रहे हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको खाने को 32 बार चबा चबा कर खाना है ताकि वो खाना एक पेस्ट बन जाए, और जब ऐसा खाना हमारी आंतों में जाएगा तो वो अच्छे से न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब कर पाएगा और आपकी बॉडी को निरोगी बना पाएगा। प्लस आजकल एक ट्रेंड बन गया है रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन का, यानी विरुद्ध आहार का। हम लोग ऐसे फूड को कंबाइन करने लगे हैं जिसकी प्रवृत्ति अपोजिट है, और ऐसा खाना हमारे शरीर में जाकर बड़ी से बड़ी बीमारियों को क्रिएट करता है। तो इसलिए कभी भी ऐसे किसी भी फूड को कंबाइन ना करें जिसकी प्रवृत्ति अलग अलग है। देखिए, ऐसे बहुत सारी लिस्ट हैं जिसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। इसलिए अगर आप लोग विरुद्ध आहार के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी विरुद्ध आहार के बारे में। लेकिन आप लोग विरुद्ध आहार यानी रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन से बचने के लिए सिर्फ एक बात को मान लें, आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। आपको सिर्फ अपने कल्चर को फॉलो करना है। आपके कल्चर में जैसा भी खाना खाया जाता है आप सिर्फ उसे ही माने। आजकल सिर्फ टेस्ट बढ़ाने के चक्कर में ऐसे ऐसे फूड को कंबाइन कर दिया जाता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो इसलिए हमेशा अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करें, क्योंकि पुराने टाइम में जो भी कॉम्बिनेशन तैयार किए गए थे वो सभी सोच समझकर तैयार किए गए थे। वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे थे और त्रिदोष को बैलेंस करते थे। फॉर एग्जाम्पल, दाल चावल, ये दोनों ही हमारे शरीर के लिए बेस्ट माने गए हैं, क्योंकि दाल में आपको बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा और चावल कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स है। और जब ये दोनों एक साथ लिए जाते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। इसके अलावा खाना खाने के बाद काफ़ी लोगों की आदत होती है तुरंत पानी पीने की, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप आयुर्वेदिक ग्रंथों की बात करें तो ऐसा करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से आपका डाइजेशन बहुत ही स्लो हो जाता है और खाना आपके पेट में पड़े पड़े सड़ने लगता है, और इसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन जनरेट होते हैं, और ये टॉक्सिन आपकी बॉडी में अलग अलग बीमारियों के रूप में आपको नज़र आते हैं।
इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद आपको पानी तो कभी भी नहीं पीना है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में दोपहर के खाना खाने के तुरंत बाद आपको छाछ लेने के लिए कहा गया है। ऐसा करने से आपका डाइजेशन स्ट्रांग होगा और आपने जो भी खाया है वो बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट होगा। और अगर आप पानी पीना भी चाहते हैं तो खाने के बीच में 1 से 2 घूंट आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक और नियम जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको अपने डिनर को 7 बजे से पहले पहले ही कंप्लीट कर लेना है ताकि आपकी बॉडी को टाइम मिल पाए इसे डाइजेस्ट करने का। और आप जब भी सोने जाएं, आपका खाना ऑलमोस्ट डाइजेस्ट हो चुका हो, क्योंकि रात का टाइम हमारी बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। यही वो टाइम है जब आपकी बॉडी खुद को हील करती है। आपकी बॉडी में दिन भर में जो भी टूट फूट होती है वो आपकी बॉडी खुद ब खुद ठीक करने लगती है। यानी इस टाइम पर आपकी बॉडी के जितने भी डॉक्टर हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और अगर आप लोग रात में लेट खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी की पूरी एनर्जी उस खाने को डाइजेस्ट करने में चली जाएगी। आपकी बॉडी हील नहीं हो पाएगी और आप धीरे धीरे बीमार होने लगेंगे और आप समय से पहले ही बड़े नज़र आएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग रात में जल्दी खाकर अपनी बॉडी को निरोगी बनाना चाहते हैं या रात में लेट खाकर खुद को बीमार बनाना चाहते हैं। हमने दोनों ही बातें आप लोगों के सामने क्लियर कर दी। हाँ, एक और बात जो आपको जाननी चाहिए, रात के खाने में आपको हाई फाइबर वाले फूड को नहीं लेना है, क्योंकि ये डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कोशिश करें फाइबर रिच फूड दिन के टाइम ही लें। रात के टाइम आपको प्रोटीन की ज़्यादा जरूरत है। प्रोटीन में भी सबसे अच्छा प्रोटीन वेज प्रोटीन को माना जाता है। इसलिए ऐसे सोर्सेज को सिलेक्ट करें जो आपकी बॉडी में ईजिली ब्रेक हो जाए। क्या आप लोगों को पता है, आपकी दाल में बहुत अच्छा प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन ये प्रोटीन आपके शरीर में अच्छे से लगे इसके लिए आपको अपनी दाल में आधे नींबू को डालकर खाना चाहिए ताकि वो प्रोटीन अच्छे से आपकी बॉडी में ब्रेक हो और वो मसल्स को बिल्ड कर पाए। तो जब भी आप लोग दालों का सेवन करें आप उसमें नींबू को ज़रूर ऐड करें। प्लस खाना खाने के बाद काफ़ी सारे लोगों की एक और गंदी आदत होती है, वो लोग चाय पीते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप लोग खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं तो ये आपके खाने को जहर बनाएगा। जहर बनाने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको तुरंत कोई प्रॉब्लम होगी। जहर से हमारा मतलब है आपके खाने को टॉक्सिन में कन्वर्ट करता है और जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है, चाहे वो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो या ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम हो। क्योंकि खाना खाने के बाद तो आपको पानी पीने के लिए भी मना किया जाता है, ये तो आप कैफीन का सेवन कर रहे हैं, तो ये कैसे सही हो सकता है। इसलिए कोशिश करें खाना खाने के तुरंत बाद आप लोग सिर्फ मुखवास का सेवन करें और उसके 1 घंटे तक कुछ भी ना खाएं। मुखवास में आप सौंफ मिश्री का सेवन कर सकते हैं या फिर गुलकंद का सेवन कर सकते हैं। ये दोनों ही आपके खाने को पचाने में हेल्प करेंगे और खाने के न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करेंगे। इसलिए खाना खाने के 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं लेना है सिवाय मुखवास के। प्लस दोपहर के खाने के बाद आपको 15 से 20 मिनट के लिए अपने लेफ्ट साइड में लेटना है। ऐसा करने से आपने जो भी खाया है वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा, प्लस आपका बीपी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दोपहर के खाना खाने के बाद आपका बीपी बढ़ने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। और आप अगर उस टाइम पर वॉक करेंगे या कोई भी हैवी वर्क करेंगे तो इससे आपके हार्ट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी दोपहर के टाइम आपको 15 से 20 मिनट लेटने के लिए कहा गया है, वो भी लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड लेटने के बहुत फ़ायदे हैं जिसे हमने अपनी वीडियो में कवर करा है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की एंड में आपको वो वीडियो ईजिली मिल जाएगी, आप उसे भी देख सकते हैं। लेकिन ये रूल रात के खाना खाने के बाद फॉलो नहीं होगा। रात के खाना खाने के बाद आपको टहलना चाहिए। ऐसा करने से आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। इसलिए दोपहर के खाना खाने के बाद आपको लेटना है और रात के खाना खाने के बाद आपको कम से कम 1/2 घंटे तक चलना है। तो ये जितने भी रूल के बारे में आज हमने बात की है, अगर आप इन सभी को फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी खुद ब खुद अपनी बीमारियों से लड़ना शुरू कर देगी। तो इन नियमों को ज़रूर माने और खुद को लंबे समय तक निरोगी बनाएं। सो फ्रेंड, आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिला हो खाना खाने के नियमों के बारे में। सो फ्रेंड, दैट इज़ इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक माई सेशन। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे।